अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? जी, आज हम एक नया लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे, सेकंड ईयर बैंकिंग का। और लेक्चर है हमारा प्रोसीजर फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट किस तरीके से खोला जाता है और उसका प्रोसीजर क्या होता है। अब देखें, इसके दो पहलू हैं अलग अलग। एक बींग एज अ बैंकर आप देखेंगे इसको, और एक बीइंग एज अ क्लाइंट। तो दोनों पहलुओं से आपको बात समझाने की कोशिश की जाएगी कि जब एक क्लाइंट आता है उसको क्या क्या चीजें करनी होती है और जरूरत होती है। लेकिन बैंकिंग पढ़ाने का कॉमर्स वालों को ये हरगिज मकसद नहीं होता। मकसद आपका होता है बीइंग एज अ बैंकर, कि इंशाल्लाह कल को आपने बैंकर बनना है, बहुत सारों ने आप में से। तो क्या प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा वो आपको बताने की जरूरत है। अच्छा, आपसे वादा ये था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो पूरा फॉर्म वगैरह, तो वो मैं ले आया था, लेकिन ये कि बहरहाल कोई बात नहीं, जैसे हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरा वो फॉर्म वगैरह और सब दिखाऊंगा किस तरीके से वो चीजें भरी जाती हैं। जो इस वक्त अभी हेडिंग्स आपको नजर आएंगी ना, प्रैक्टिकली की तमाम चीजें होती हैं और ये वहां पर सबमिट होती है। खैर, तो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट इन अ बैंक। सवाल सुन लिया आप लोगों ने, लिख लीजिएगा, फर्दर थ्योरी अब आपको नजर आ जाएगी। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट इन अ बैंक, कैसे एक बैंक में अकाउंट खोला जाता। सबसे पहले क्या होता है जी, देखें पॉइंट नंबर वन आ गया है, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ अकाउंट। सबसे पहले आपको टाइप ऑफ अकाउंट डिसाइड करनी होती है कि किस टाइप का अकाउंट खोला जाएगा। अब टाइप में आपको ऑप्शन भी होते हैं, जाहिर है। द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ अकाउंट टू बी ओपन्ड। एन अकाउंट मे हैव सेवरल टाइप्स such as current, saving, fixed account. An account can be opened jointly or singly. ठीक है जी, अब एक एक करके इन बातों पे हम तबसरा करते हैं। नंबर वन भाई, तीन तरह के मेन अकाउंट तीन तरह के होते हैं। एक करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है और एक फिक्स अकाउंट होता है। तो ब्रॉड टर्म में इसकी तीन कैटेगरीज हैं। अच्छा जी, अब क्या हुआ, कमर्शियल बैंक जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक है, उन्होंने इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, जो प्राइवेट हमारे बैंक है उन्होंने इसको क्या किया, फर्दर क्लासिफाई कर दिया। किस तरह? अब सेविंग अकाउंट का मैं आपको बताऊंगा, सेविंग से शुरू करना। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, नंबर वन एक ऐसा सेविंग अकाउंट होता है कि जो भी आपका डिपॉजिट उसमें पड़ा हुआ होगा, जैसे ही महीना गुजरेगा आपको एक अमाउंट आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। ठीक है जी, जो भी प्रॉफिट आएगा, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए पड़े हैं और 1,000 रुपए बन रहे हैं, तो 1,000 रुपए उसी महीने के महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर, एक हो गया। दूसरा होता है बाय एनुअली मार्कअप क्रेडिट वाला। ठीक है जी, 6 महीने आपका, जो 6 महीने बाद आपका मार्कअप आपको मिलेगा, 6 महीने में जो भी आपका मार्कअप होगा वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एक क्या हो गया महीने वाला, एक हो गया 6 महीने वाला। मैं आपको उस सीक्वेंस से बता रहा हूँ जिस तरह से वो फेमस, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो मंथली सेवर सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो वो नंबर वन पे मैंने आपको बताया। फिर बाय मंथली यूज करते हैं लोग, सॉरी बाय एनुअली यूज करते हैं, साल में 2 बार उनके प्रॉफिट क्रेडिट होता है, वो भी है। इसके अलावा एक और होता है रोजाना वाला, डेली। डेली वाला लोग नहीं करते क्योंकि वो मंथ में एंड में ना कुछ नजर आता है, 10 रुपए आ रहे हैं, 5 रुपए आ रहे हैं, वो इनकम स्टेटमेंट बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, तो लोग इसको अवॉइड करते हैं इतना। लेकिन कुछ लोग बहरहाल वो भी यूज करते हैं। इसके बाद एनुअल प्रॉफिट क्रेडिट का, वो भी सेविंग अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट की कितनी खास कैटेगरीज हो गई, नंबर वन एक जिसपे आपको प्रॉफिट रोजाना मिलता है, दूसरा जिसपे महीने में मिलता है, तीसरा 6 महीने बाद वाला, और चौथा साल के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये सब सेविंग अकाउंट होते हैं। इसमें फायदा ये होता है, जब आपको पैसों की जरूरत होती है आप उसी वक्त वो पैसे विड्रॉ भी करवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एन अकाउंट में है सेवरल टाइप्स सच एज करंट। अब करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट के अंदर अलग अलग करंट प्लस है और करंट पला है। अब किसी में कोई फैसिलिटी, किसी में कोई, किसी में कोई ऑर्डर फ्री है, किसी में चेकबुक फ्री है, किसी में इंश्योरेंस होता है। ठीक है जी, इस तरह की जो है इसमें अलग अलग उन्होंने प्रोडक्ट में कुछ एडिशनल चीज होती है, बाहर फायदे वाली भी होती है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड अकाउंट में आपका जो अमाउंट होता है ना वो फिक्स हो जाता है, यानी कि उसको मुंजमित कर दिया जाता है,
फ्रीज कर दिया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आप एक नॉर्मल तरीके से उसको विड्रॉ भी नहीं कर सकते, ठीक है जी, और आप उसमें इजाफा भी नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। उसके लिए एक सेपरेट तरीका है, अंडरटेकिंग देनी होती है, भरना पड़ता है, ठीक है जी, पूरा निजाम है उसका। पैसे ऐसा नहीं कि पैसे बाहर नहीं आ सकते, पैसे तो डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं, पैसे आपके। तो उसमें एक साल के लिए जब पैसे फिक्स हो जाते हैं तो अमूमन वो पैसे विड्रॉ करने नहीं दिया जाता, सही है जी। तो कितने होते हैं, तीन। फिक्स अमाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो एक साल के लिए होता है, 6 महीने के लिए, 3 महीने, कम से कम 3 महीना, उससे ऊपर 6 महीना, उससे ऊपर 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। अब जाहिर है कि 50 साल के लिए तो कोई भी नहीं चाहता ना कि वो, सिर्फ पाकिस्तान में तो, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ होती है वही कम होती है लोगों को। अक्सर हम लोग कहते हैं कि जिंदगी का भरोसा नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम जो लोग करवाते हैं ना वो भी कम, 3 साल के लिए। मेजोरिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फिक्स डिपॉजिट होता है पाकिस्तान के अंदर वो 3 महीने के लिए सिर्फ होता है, 3 महीने के लिए, क्योंकि इससे छोटा नहीं होता, नहीं तो लोग बोले यार 1 महीने के फिक्स करो, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं, लेकिन होता ही हमारे यहाँ तकरीबन 3 महीने के लिए, तो 12 3 महीने पर वो चल रहा है, ठीक है। तो अब ये इन सब में से कोई एक आपको चुनना होता है जब आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो दिस इज अप टू यू कि हाउ विल यू डू इट, नंबर 1। नंबर 2, अब इसके पास अगेन 2 ऑप्शन है भाई, ज्वाइंटली चलाना है अकाउंट या आप जो है वो सिंगली चलेंगे। अब ज्वाइंटली और सिंगली क्या होता है, ज्वाइंटली में साइन होते हैं 2, सिंगली में साइन होता है 1। ज्वाइंटली में साइन होते हैं 2 और सिंगली में साइन होता है जी 1 साइन, ये भी इसके अंदर होता है, ठीक है। अच्छा जैसे हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, ठीक है जी, हस्बैंड एंड वाइफ क्या कर सकते हैं, एक ही अकाउंट दोनों ने खुलवा लिया, अब ज्वाइंट अकाउंट है, हस्बैंड के साइन से भी पैसा बाहर आएगा और वाइफ के साइन से भी आएगा। इसमें भी दो, एक और ऑप्शन होता है इसके अंदर, कि दोनों चाहते हैं कि दोनों के साइन से बाहर आए या किसी एक के साइन से ही बाहर आ जाए, मतलब मियाँ और बीवी दोनों का साइन होगा तभी पैसे बाहर आएंगे वरना नहीं आएंगे, ये भी एक ऑप्शन। अमूमन लोग ये वाला ऑप्शन जो है ना वो अपनाते नहीं, तो भाई मियाँ बाहर अच्छे अच्छे बीवी के साइन से हो जाएगा, बीवी बैठ के गई भी है तो शोहर ने साइन करके पैसे निकाली, यानी कि ये वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होता है। सिंगली में खतरा ये होता है, अल्लाह ना करे अगर डेथ हो जाती है उस बंदे की जिसका अकाउंट है, अगर जिस बंदे की का अकाउंट है अगर उसकी डेथ हो गई, अब पैसे बाहर नहीं आएंगे, पहले FRC बनवाओ, सेशन कोर्ट जाओ, वहां से जज से लिखवा के लाओ कि हाँ भाई यही इनके वारिस नहीं और कोई नहीं है और इस बंदे को देते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, नहीं इतने लंबे चौड़े चक्कर है, कब, जब 50,000 से ज्यादा हो तो, ठीक है जी। अमूमन अब जाहिर बंदा अकाउंट खोलेगा तो हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि वो 50,000 से ज्यादा बैलेंस होता है। इतने सारे वाकयात हुए मेरे सामने कि लोगों को पैसे की जरूरत थी, अकाउंट में पैसे पड़े हुए भी थे, लेकिन वो पैसे 4 महीने तक बाहर नहीं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ बैंक एंड ब्रांच। The prospective account holder should now select the bank. ठीक है, आपने सोच लिया भाई करंट अकाउंट खुलवाना है, फिक्स अकाउंट खुलवाना है, कौन सा अकाउंट खुलवाना है, ये आपने सोच लिया। अब आपने क्या करना है, द प्रोस्पेक्टिव अकाउंट होल्डर शुड नाउ सेलेक्ट द बैंक। अब आपने क्या करना है, बैंक सिलेक्ट करना है, बैंक कितने सारे, अब आपकी सोच के ऊपर है, नंबर 1। अब पाकिस्तान में जितने बैंक उनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, नंबर 1 इस्लामी, नंबर 2 गैर इस्लामी, यानी इस्लामिक बैंकिंग इज देयर एंड कन्वेंशनल बैंकिंग इज देयर, यानी जो सदियों से चली आ रही है वो भी एक बैंकिंग है, जो और एक जो इसी सदी की इजाद होता है इस्लामिक बैंकिंग वो भी मौजूद है, लेकिन इस्लाम जो है वो 1400 साल से है और लेकिन जो इस्लामिक बैंकिंग है वो 30 साल से है, तो ये बहुत डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है जी। अब इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हम इस्लामिक बैंकिंग में ही अकाउंट खुलवाएंगे, और कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है पाकिस्तान में कि नहीं यार कोई फर्क नहीं है दोनों में, तो खैर हो गई किसी में भी खुलवा लो, एक ही बात है, लेकिन फर्क होता है। फर्क क्या है, फर्क नोटों का बहुत फर्क है। इस्लामिक बैंकिंग मीजान बैंक 5% प्रॉफिट दे रहा है, कन्वेंशनल बैंक 11% प्रॉफिट दे रहा है, तो दिस इज मच डिफरेंस, तकरीबन डबल का डिफरेंस होता है। तो भाई मैंने पूछा मीजान वालों से आप ऐसा क्यों करते, बोलते हम तो हलाल दे रहे हैं, हम तो कम देंगे ना भाई, हलाल है कम खाओ खुश रहो, ठीक है ना। इस तरह वहां पर वो दो तरह से मीजान बैंक प्रॉफिट में से लिए गया, इस्लामिक बैंकिंग में देखे इस्लाम में बरकत है डेफिनेटली। अब होता यह है कि वो दो तरह से
खींचते हैं पैसा। एक, वो अपने एम्प्लॉयज को ब्लैकमेल करते हैं कि भाई इस्लामिक बैंक में हलाल कमा रहे हो, कम सैलरी मिलेगी। ओके जी, मैंने ऐसे लोग देखे कि जो बड़ी सैलरी से छोटी सैलरी पर चलेगा, इसलिए कि वो हलाल हलाल का कॉन्सेप्ट आया होगा। अच्छा, इसी तरह कन्वेंशनल बैंकिंग में ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट में भी क्या, कम प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन हलाल तो प्रॉफिट होगा ना, चलो खैर होगी, तो ये भी एक चीज है। ठीक है, अब सिलेक्शन। अच्छा, एक तो ये हुआ कि इस्लामी और गैर इस्लामी की बुनियाद पर आजकल लोग क्या करें, डिसाइड करें। बहुत ज्यादा लोग निजान बैंक जाते हैं, बैंक इस्लामी जाते हैं, दुबई इस्लामी जाते हैं, इस्लामिक बैंक के कॉन्सेप्ट की वजह से। लेकिन एक और जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जी बड़े बैंक में अकाउंट खुलवाओ, वो मजबूत होता है, उसके बंद होने के चांसेस कम होते हैं, आपका पैसा डूबेगा नहीं। बड़े बैंक कौन से हैं? HBL, MCB, UBL, अलाइड, नेशनल बैंक। ठीक है जी, दे आर द जॉइंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये सबसे ज्यादा बड़े बैंक हैं और बहुत ही ज्यादा मुनज्जम और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग। तो इसमें क्या है, आपका पैसा स्ट्रांग, आपका पैसा सेफ होता है। ऑल्दो पाकिस्तान में जितने भी बैंक है सबकी गारंटी स्टेट बैंक ने ली हुई है, सब लाइसेंस आता है स्टेट बैंक से, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बैंक बंद होता है तो 6 महीने के लिए आपका पैसा फंस सकता है। तो उसका व्हाट इज द सोल्यूशन, द अल्टीमेट सोल्यूशन इज कि आप किसी बड़े बैंक में खुलवाएं तो वो कभी बंद नहीं होगा। अब देखें ना, हबीब बैंक तो इंडिया में भी था, पाकिस्तान बना तो वो यहाँ शिफ्ट हुआ। तो कल ही एक ऑफिस में हमारे हैं, वो रिटायर होने वाले, तो वो इंडिया में उनके वालिद हबीब बैंक में थे, और फिर जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ हबीब बैंक में उनका ट्रांसफर हुआ। यहाँ वो आया बैंक के साथ साथ, यहाँ आ गया, यहाँ वो मैनेजर है। तो उनकी जो बेटे हैं वो अभी रिटायर हो रहे हैं, वो भी तकरीबन 60 साल के हो रहे हैं, इस साल हमारे रिटायर हो रहे हैं। मतलब देखे ना, हबीब बैंक ही पाकिस्तान से पहले का बैंक है और उसका प्रॉफिट भी बिलियंस में होता है एक साल के अंदर, तो उसके डूबने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है जी, नाउ ऑब्टेनिंग द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। जब आपने सोच लिया अच्छा मीजान में खुलवाना, अच्छा हबीब में, एमसीबी में, वगैरह वगैरह, अब आप क्या करेंगे, नाउ व्हाट विल यू डू। अब आपने बेसिकली ये करना है कि आप वहां जाएंगे और वहां जाकर आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लें। ठीक है जी, अब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो आप लेंगे तो बैंकर जो वहां पर बैठा हुआ होगा वो आपको समझाएगा, डिटेल्स देगा कि आपने ये करना है, ये करना है। ठीक है जी, पूरी डिटेल्स वो आपको देगा। तो ये इसके अंदर बताया गया कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो मिलता है उसके अंदर किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक, इट शुड बी रीड केयरफुली एंड फिल्ड इन विद अटमोस्ट केयर। आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को रिसीव करना है, उसके बाद आपको पढ़ना है। यकीन करें ये बात इसमें लिखी हुई तो है लेकिन इस पर अमल कोई नहीं करता। जितने भी मेरे आज तक लाइफ में अकाउंट खुले हैं, मैंने आज तक एक भी पढ़ने की जहमत नहीं की, और मैं क्या, कोई भी नहीं करता। कौन पढ़ेगा, पूरी बुक है वो अकाउंट ओपनिंग की, लो पढ़ो। और उनसे बोलोगे यार इसमें क्या लिखा है जरा बता दो, तो पूरी बुक आपके हाथ में दे देंगे, बोलेंगे लो पढ़ लो क्या लिखा बस। अब उसको कौन पढ़ेगा, इट्स नॉट ईजी टास्क टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है ना, बहुत बड़ा होता है, मुश्किल होता है। अच्छा जी, ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक, इट शुड बी रीड। ठीक है, ये भी हो गया। ओपनिंग द रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है, देखें आजकल हालात बहुत खराब हो गए। हम नहीं जानते कि कौन हमारे दरमियान दहशत गर्द हो सकता है, कौन कोई खराब खतरनाक बंदा हो सकता है, वी डोंट नो। तो इसलिए बैंक्स में क्या हुआ कि एक लॉ बना दिया गया बैंक्स में कि भैया जो भी अकाउंट खुलवाएगा उसका रेफरेंस होना चाहिए, जो भी अकाउंट खुलवाएगा उसका रेफरेंस होना चाहिए, बगैर रेफरेंस के किसी का अकाउंट नहीं खुलेगा। अब रेफरेंस किसका होगा, जिसका ऑलरेडी अकाउंट खुल गया उसका रेफरेंस होगा। ठीक है जी, अब इससे क्या होता है भैया, इससे ये होता है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ यार बंदा एक नंबर है, कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा वगैरह वगैरह, ऐसे इस तरह के फायदे हो जाते हैं। ठीक है जी, और आपको कंफर्म भी हो जाता है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई पैसा दो नंबर है, कहीं दूसरे मुल्क से पैसा आ रहा है, रॉक एजेंट तो नहीं है कोई, इस तरह के सवाल होते हैं वो आजकल बहुत ज्यादा, इस पर सख्ती है बहुत ज्यादा। तो रेफरेंसेज होना बहुत जरूरी है ताकि बंदे के एक नंबर होने का हमें अंदाजा हो जाए। नाउ द नेक्स्ट इज सबमिशन ऑफ फॉर्म।
फॉर्म सबमिशन होगा जी। नाउ द फॉर्म शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब जब फॉर्म आप पढ़ लेंगे, उसमें फिल करना होगा ना उस फॉर्म को, फिर आप क्या करेंगे उस फॉर्म को फिल करेंगे। तो जब आप उस फॉर्म को फिल कर देंगे, ठीक है ना, तो फिर आप वो सबमिट कराएंगे। अब उसके साथ कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे मिसाल के तौर पर। क्या क्या होता है ये, केस टू केस बेसिस पर डिफरेंट होता है। अब इसमें नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपनी के अकाउंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते, ठीक है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बायलॉज, तमाम के एनएसी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। सही, अच्छा। इसी तरह एक आम बंदे का शनाख्ती कार्ड, यूटिलिटी बिल, जॉब कार्ड, ये तमाम चीजें चाहिए होती। सही है। गिविंग स्पेसिमेन सिग्नेचर। नाउ द अकाउंट होल्डर साइंस ऑन अ कार्ड कॉल्ड स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड। एक गत्ता होता है इतना बड़ा, तो उसमें जैसे डब्बे बने होते हैं डब्बे, और उन डब्बों में क्या करना होता है, साइन करना होता है, और वो अपने वो बैंक रिकॉर्ड में स्कैन करके रख लेता है। उससे क्या होता है कि कल को जब आप जाते हैं और चेक देते हैं पेमेंट के लिए, तो उसके जरिए वो कैश होता है, ठीक है जी। वो चेक लेगा आपका, चेक पर साइन देखेगा, चेक पर साइन और अपने रिकॉर्ड में साइन, चेक पर साइन और अपने रिकॉर्ड में साइन, उन दोनों को वो क्या करेगा, मैच करेगा। अगर वो दोनों मैच हो जाए तो उसको वो कैश कर देगा, अदरवाइज उसको कैश नहीं करेगा, ठीक है जी। नाउ द अकाउंट होल्डर साइंस ऑन अ कार्ड कॉल्ड स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, दीज सिग्नेचर्स आर मैच विद द चेक ऑफ द अकाउंट होल्डर। ओके, मेकिंग इनिशियल डिपॉजिट। अब स्पेसिमेन सिग्नेचर में आपने कार्ड में साइन कर दिया, वो चला गया, नाउ व्हाट एल्स, मेकिंग इनिशियल डिपॉजिट, द एप्लीकेंट इज अलॉटेड एन अकाउंट एंड आस्क्ड टू मेक इनिशियल डिपॉजिट इन दिस अकाउंट थ्रू अ डिपॉजिट स्लिप। ठीक है, जब डिपॉजिट स्लिप होती है, उस डिपॉजिट स्लिप के जरिए आपको पैसे जमा कराने होते हैं, ठीक है जी। डिपॉजिट स्लिप मिलेगी और उस डिपॉजिट स्लिप के जरिए आपको पैसे जमा कराने होंगे, ठीक है जी, और फिर वो पैसे जमा हो जाएंगे, और दिस इज हाउ योर अकाउंट विल बी ओपन। एक डिपॉजिट स्लिप होती है बेसिकली, अच्छा जी, अकाउंट इज ओपन, इसका मतलब क्या, आपका अकाउंट क्या हो गया, खुल गया। As soon as the initial deposit is made, the account is open. जैसे ही initial deposit का आपको confirm होता है कि हाँ जी हो गया deposit, तो आपका मतलब क्या है? इसका मतलब है account खुल गया है। देखें जी, मेरी वीडियो आप पॉज करेंगे तो फिर आप इजीली इसको लिख सकते हैं, इसी को लिखकर इसी को याद कर लीजिएगा, ये बहुत आसान रहेगा इंशाल्लाह आपके याद करने के लिए, ठीक है जी। Receiving a checkbook term deposit certificate. Finally, a checkbook is issued with which bears the applicant's account. ठीक है जी, आखिरी में क्या होता है कि आपको एक वो दिया जाएगा, आपको चेकबुक दी जाएगी, जिस चेकबुक पे आपका नाम लिखा होगा, आपका अकाउंट नंबर वगैरह होगा, वो चेकबुक आप लेंगे, आप डिपॉजिट स्लिप पकड़े, डिपॉजिट कराएं, चेकबुक लें, विदड्रॉ करवाएं, फिर डिपॉजिट कराएं, फिर विदड्रॉ, आप यूं इस तरह डेबिट कार्ड आप खेल सकते हैं बैंक के साथ। देखें, नाउ बैंक इज नाउ द पार्ट ऑफ लाइफ। हर किसी का कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट अब होता ही होता है। आज अभी आप बच्चे हैं, अभी नहीं है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप सबका बैंक अकाउंट खुलना ही खुलना है, तो अभी से इन चीज़ों को समझना चाहिए, और एक आध अकाउंट तो मैं समझता हूँ आपका अभी से ओपन होना चाहिए। कभी जाएं किसी बैंक, अगर आप चाहें तो आपके मैक के करीब में जो मीज़ान बैंक,
मैं वहां आपको भेज सकता हूँ, किसी को भी कॉल करके, तो आपका अकाउंट वहां पर वो खोलेंगे, आपको समझाएंगे भी, देखेंगे तरह से अकाउंट खोलेंगे। एक आपको चेकबुक भी मिलेगी, 500 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे, 500 रुपीज यू विल हैव टू स्पेंड, मतलब उसमें से भी चेकबुक के कटेंगे, बाकी तो आपके अकाउंट में रहेगी, क्योंकि अकाउंट तो फ्री में खुलता है ना, ठीक है ना, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमारा ये सवाल हो गया कंप्लीट। अभी अगला लेक्चर में इंशाल्लाह अगला सवाल हम पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसको याद भी कीजिएगा, इसको ठीक है ना, लिखिएगा पहले अपने उसमें रजिस्टर में, और फिर इसको याद भी करिएगा, ठीक है जी। तो बस आज यहीं तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।